वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 16 अक्टूबर 2020 और आज हम फेडरल बैंक के स्टॉक को क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ इस स्टॉक का फंडामेंटली एनालिसिस के साथ साथ हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, जहां पर सिंपल सा हम डिमांड और सप्लाई के बेस को ट्रेड करते हैं। फेडरल बैंक का स्टॉक ये एक फाइनेंशियल बैंक है, जैसे कि हमें पता है बैंकिंग सर्विसेज इंडस्ट्रीज में फाइनेंशियल सेक्टर का ये स्टॉक है। मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें तो 10,412 रुपीस का इसका मार्केट कैपिटल है और स्टॉक का पी रेशो 6.86 है और आरओई है 11.2%। अगर हम डेप्ट की बात करें तो अच्छा खासा डेप्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कोई भी स्टॉक इसका गिरवी नहीं रखा हुआ है अब तक। अब चलते हैं हम इसका जो रेवेन्यू है वो देखेंगे। अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो ईयर बाय ईयर अच्छा खासा रेवेन्यू ये बैंक जनरेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और फाइनेंशियल प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे उसमें हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट को लेते हैं, जो 2017 में 867 था वो प्रॉफिट इंक्रीज होके 1506 तक आ चुका है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे और फोकस करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि सितंबर 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और रेवेन्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3622 के जो रेवेन्यू है वो उनका जनरेट हुआ है सितंबर क्वार्टर 2020 में, और प्रीवियस क्वार्टर के साथ में अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल मार्जिन में निगेटिव हमको दिख रहा है सितंबर 2019 में जो 2% हुआ करता था और ये सितंबर 2020 में -2% हो चुका है। और जैसे कि आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, जब भी फाइनेंशियल स्टॉक की बात आती है तो मैं बताता हूँ कि फाइनेंस सेक्टर पे एक अच्छा खासा प्रेशर लोड हमें देखने को मिल रहा है और उसी वजह से ये जो स्टॉक है इन स्टॉक का जो ग्रोथ रेट है वो हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है कंपेयर टू अदर स्टॉक। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस जो सितंबर 2019 की अगर हम बात करेंगे तो 2.14 हुआ करता था, वो 1.58 तक आ चुका है, इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब चलते हैं हम फेडरल बैंक के मंथली चार्ट पे और मंथली चार्ट से हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ये फेडरल बैंक का मंथली चार्ट है और यहाँ पर जैसे हम देखेंगे एक सपोर्ट या फिर एक सपोर्ट प्राइस हम कहेंगे जो 44 रुपीस का है और स्टॉक ने यहां से एक रैली दिखाई थी, एक हायर सिंग लो और फिर एक हायर प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था 123 के। उसके बाद 2017 से ही यहां पर देखिए चार्ट पर 2017 से ही हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, यहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दिखाया, लेकिन जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे एक लोअर हाई इसने यहां पर बनाया जो कि था 109 के आसपास का, और उसके बाद कोरोना के वक्त जैसे हम देख पा रहे थे सभी स्टॉक का प्राइस नीचे आया तो ये भी स्टॉक का प्राइस नीचे आया, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे जिन्होंने रिकवर कर लिया ये स्टॉक अभी भी अपने बॉटम जो यहाँ पर देखिए अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर फिर से वो अपने बॉटम प्राइस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मंथली चार्ट पर यहाँ सप्लाई है और ये अच्छा खासा तगड़ा सप्लाई है जो 62 रुपीस से लेकर तो 52 रुपीस का है, 10 रुपीस का एक सप्लाई है और उसी के नीचे यहाँ पर एक डिमांड जोन भी है जो 46 रुपीस से 37 रुपीस का विड्थ ये रखता है। यहाँ पर वीकली चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वीकली चार्ट में देखिए मंथली सप्लाई के अंदर वीकली सप्लाई यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और ये जो वीकली सप्लाई है 55 रुपीस से लेकर तो 52 रुपीस का है और इस वीकली सप्लाई के चलते यहाँ पर हमें फ्रेश डेली सप्लाई भी देखने को मिल रहा है
जब हम डेली चार्ट पर जाएंगे तो उस सप्लाई के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मंथली डिमांड जोन है, हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस जैसे ऊपर गया और वहां से जब स्टॉक का प्राइस एक बेरिश इंगल्फिंग के साथ में नीचे आया तो इसने मंथली डिमांड जोन से बाउंस बैक हमें देखने को मिला और एक हल्का सा लोअर हाई इसने यहाँ पर बनाया हुआ है और वीकली चार्ट पर। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पर, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था मंथली सप्लाई के अंदर वीकली सप्लाई है और वीकली सप्लाई के अंदर यहाँ पर फ्रेश डेली सप्लाई है जो कि 54 रुपीज से 52 रुपीज के आसपास का है, और इस सप्लाई को ये जो स्टॉक है लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से निगोशिएट कर रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि इस सप्लाई के ऊपर ऑन अ डेली बेसिस पे ये स्टॉक को क्लोजिंग देने में बहुत सप्लाई का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है और जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट आया है और ईपीएस में जो हमें गिरावट देखने को मिली, नेट प्रॉफिट में गिरावट ऑन क्वार्टरली बेसिस पे जो हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, फाइनेंशियल मार्जिन की जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सितंबर 2019 से सितंबर 2020 में जिस तरीके से हमें गिरावट देखने को मिली तो उसके चलते ये स्टॉक का प्राइस फिर से एक लोअर लो यहाँ पर बनाने की पूरी उम्मीद मुझे लग रही है। तो हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में फिर से ये स्टॉक यहाँ पर आए अपने बॉटम प्राइस पे जो कि इसका यहाँ पर एक लो है, इस लोअर से एक नया लो बनाए और फिर से यहाँ से मंथली डिमांड जोन से एक हल्का सा स्विंग आए हमें बनाता हुआ दिखे। ये था फेडरल बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ में डिमांड सप्लाई बेस टेक्निकल एनालिसिस। ये वीडियो आपका कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।